ये जो नया बवाल है एच एस आर पी स्टिकर ऑरेंज ब्लू एंड ग्रीन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है गाइज दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू एचर्स होप यू ऑल आर डूइंग फाइन तो एच एस आर पी यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टिकर जो है वो अगर डैमेज हो गया हो या फिर विंड स्क्रीन टूट गया हो और आपको अपना विंड स्क्रीन रिप्लेस कराना है जिसके साथ साथ आपको स्टिकर भी चेंज करना पड़ेगा तो ये वीडियो आपके लिए है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से अपनी कार के लिए नया रिप्लेसमेंट स्टिकर ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि रिप्लेसमेंट स्टिकर ऑर्डर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है कम्पेयर टू नया स्टिकर लेना और हाँ डू फॉलोर्स ऑन इंस्टाग्राम एट आशीष भाटी एवेंचर्स क्योंकि वहाँ पे मैं और भी बहुत सारे बिहाइंड द सीन वीडियोज़ और जो रिलेटेड फन कंटेंट है वो अपलोड करता रहता हूँ अभी अराउंड छः आठ महीने पहले आई वॉज ड्राइविंग ऑन हाईवे एक छोटा सा पत्थर आके मेरी विंड स्क्रीन से टकराया और एक छोटा सा निक बना दिया उसको क्रैक को मैंने रिपेयर करने की कोशिश करी बट अनफॉर्चुनेटली वो रिपेयर नहीं हो पाया बट लकीली वो क्रैक आगे नहीं बढ़ा तो मैं थोड़े टाइम तक तो गाड़ी चलाता रहा उसके बाद हम लोग स्पीती गए वहाँ पर फिर एक और पत्थर आगे टकराया और इस बार एक बड़ा क्रैक बन गया खैर कुछ महीने मैंने कोशिश की उस टूटे हुए ग्लास के साथ कार चलाने की बट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता था स्पेशली रात के टाइम हेडलाइट्स वगैरह पड़ती थी तो दिक्कत आती थी तो फाइनली जो है अब बजट बना और मैंने अपना ग्लास चेंज करवा लिया न्यू विंड स्क्रीन और डेफिनेटली ये काम मैंने जो है महिंद्रा के सर्विस सेंटर से नहीं कराया है तो इसकी डिटेल्स जो है मैं वीडियो के एंड में शेयर करता हूँ क्योंकि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट विंड स्क्रीन रिप्लेसमेंट दिस इज अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ ये एच एस आर पी स्टिकर ये मैं लेके घूम रहा हूँ साथ में पुराने वाला जब किसी काम का नहीं रह गया तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नया बवाल है एच एस आर पी वाला स्टिकर का ये आप रिप्लेस कैसे करोगे क्योंकि अगर आप सिंपल तरीके से एच एस आर पी की वेबसाइट पर जाते हो दैट इज की बुक माई एच एस आर पी डॉट कॉम और वहाँ जाके ओनली कलर स्टिकर के लिंक पर क्लिक करके अपनी कार का सारी डिटेल्स डालोगे जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और उसके बाद जब क्लिक करोगे यू आर नॉट ऑथोराइज टू बुक री ऑर्डर मतलब आप एक बार ऑर्डर कर चुके हो अब आप दोबारा ऑर्डर नहीं कर सकते हो तो अब क्या करोगे तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो आप एक ई करो ऑन दिस ई मेल आई ईमेल ऑनलाइन में आपको अपनी कार की सारी डिटेल्स देनी होंगी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेक मॉडल चेसिस इंजन नंबर वगैरह वगैरह और जो लेज़र कोड जो आपके नंबर प्लेट पे प्रिंटेड होता है वो भी जितनी डिटेल्स आप पहली बार में दे दोगे उतना आसान है साथ ही साथ आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों बदलना चाहते हो ये डैमेज हो गया या विंड स्क्रीन डैमेज हो गया आप क्या करना चाहते हो क्यों बदलना चाहते हो वो रीज़न आप एक स्पेसिफाई कर दो इफ पॉसिबल साथ में कुछ अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह भी क्लिक करके डाल सकते हो जैसे शीशा टूट गया तो उसकी डाल दो अगर स्टिकर डैमेज हो गया तो उसकी डाल दो और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ वो मेल भेज दो एक दो दिन में वहाँ से रिप्लाई आएगा वो आपसे आपका कंसेंट मांगेंगे मतलब कि ये आप ही हो आप चाहते हो कि आपको नया स्टिकर ऑर्डर करना है तो अगर आप उस पर कन्फर्मेशन मेल कर देते हो कि यस इट इज़ मी एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई स्टिकर मैं आपको अपना कंसेंट दे रहा हूँ तो उसके बाद फिर वहाँ से एक कन्फर्मेशन मेल आएगा जो कि ये बोलेगा कि नाउ यू कैन री बुक यूर ऑर्डर ये पूरा प्रोसेस जो है करीब दो तीन दिन का हो सकता है बट वंस दिस इज़ डन आप एच एस आर पी की वेबसाइट यानी बुक माई एच एस आर पी पे जाके जैसे आपने नया स्टिकर ऑर्डर किया था सेम वे आप वैसे ही जाके इसको दोबारा से ऑर्डर कर सकते हो और अपने घर मंगा सकते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो डेट्स इट नया स्टिकर आ गया नाउ कमिंग टू माई विंड स्क्रीन मेरा जो विंड स्क्रीन है वो नया लगा है डेफिनेटली ये मैंने महिंद्रा के सर्विस सेंटर से नहीं कराया क्योंकि वहाँ पे जो मुझे प्राइस कोट किया था दैट वॉज़ एक्सपोनेंशियली हाई मेरे बजट से बिल्कुल बाहर था और उन्होंने मुझसे दो से तीन दिन के लिए गाड़ी भी मांगी थी दो से तीन दिन मेरी गाड़ी वहाँ रखने के लिए कि पहले क्लेम अप्रूव होगा हो उसके बाद जो है हम ग्लास चेंज करेंगे एंड येस yes, मैंने क्लेम नहीं किया क्योंकि अमाउंट बाहर से इतना बन रहा था कि मुझे क्लेम लेने की जरूरत नहीं पड़ी इवन अगर आप किसी ऐप पर देखोगे गो मकैनिक या समथिंग तो आपको जो है उसका प्राइस जो है विंड स्क्रीन रिप्लेसमेंट का वो बहुत कम मिलेगा कम्पेयर टू जो महिंद्रा वाले कोट करते हैं जो महिंद्रा की डीलर ने मुझे कोट किया था मैंने उसके ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में बाहर से इसको लगवाया है एक शॉप से जिसका नाम है शिव मोटर्स मेरे घर के पास ही है एंड मैं उससे काफ़ी साल से अपनी गाड़ियों का काम करवा रहा हूँ तो आई ट्रस्ट दम और जो ग्लास लगाया दैट इज़ ओरिजिनल महिंद्रा ए आधे प्राइस में लग गया और गाड़ी जो है मुझे तीन चार घंटे में वापस भी मिल गई बट एनी वे एज़ आई सेट कि दिस वीडियो इज़ नॉट नॉट अबाउट विंड स्क्रीन रिप्लेसमेंट दिस इज़ अबाउट कि आपका एच एस आर पी स्टीकर कैसे रिप्लेस करना है विंड स्क्रीन आप अपने बजट अपनी कन्वीनियंस अपनी थिंकिंग के हिसाब से कहीं से भी चेंज करा सकते हो इट इज़ टोटली योर चॉइस तो दिस इज इट गाइस मुझे अपना ग्लास और स्टिकर दोनों चेंज करना पड़ा तो आई थॉट कि ये जो एक प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ शायद किसी की हेल्प हो जाए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना एंड आई एल सी यू सून विद अनदर वीडियो तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग कीप लिविंग सी या